प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो ट्रांजिस्टर के बारे में है। ट्रांजिस्टर जैसा कि आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत ही अहम तरीन कंपोनेंट है या डिवाइस है, जो कि यहाँ पे ये दो लगे हुए हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके तीन टर्मिनल्स या तीन लेग्स होते हैं या तीन टांगे कह लो, जो भी कह लो, ठीक है जी। तीन तार इसमें से निकलते हैं तो ये इस तरीके के होते हैं ट्रांजिस्टर। मुख्तलिफ शक्लें होती हैं इसकी, जो कि छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जैसे कि ये स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर कहलाते हैं, वो इस नमूने के होते हैं। इससे थोड़े से बड़े जो हैं वो इस तरह के होते हैं, जिसके साथ एक छोटा सा हीट सिंक और ये ट्रांजिस्टर और इसके तीन टर्मिनल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नंबर D313 है, मशहूर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में इस्तेमाल होने वाला, ठीक है जी। अब इसके बारे में मैं कुछ तफसील आपको दूंगा, इसकी टेस्टिंग की तफसील और काम कैसे करता है ये बाद में हम देखेंगे, लेकिन जो टेस्टिंग की तफसील है वो मैं यहाँ पे आपके सामने शो करता हूँ कि मीटर से हम इसको कैसे टेस्ट करते हैं। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि कैसी वीडियो बनाई जाए कि जिसमें इनकी टेस्टिंग के बारे में, कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की टेस्टिंग के बारे में बताया जाए। तो शक्लों का जैसे मैंने आपको दिखा दिया, इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी शक्लें होती हैं, लेकिन जो ये कॉमन इस्तेमाल होने वाली शक्लें हैं ये दो मैंने आपको दिखा दी। एक और भी शक्ल होती है जो कि ऐसे फ्लेंच किस्म का होता है, 2N3055 मशहूर ट्रांजिस्टर अमेरिकन, जो कि आम इस्तेमाल होता है एम्पलीफायर्स वगैरह में और पुराने जो UPS हैं उनमें भी इस्तेमाल किया गया है। तो वो भी फ्लेंच शक्ल का होता है, मेटल का बना होता है, वो उसकी भी टेस्टिंग बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इसकी है, लेकिन थोड़ा सा उसकी शक्ल में फ़र्क होता है। तो जनाब ये है कि इसकी टाइप्स, इसकी किस्में ट्रांजिस्टर की अगर आप देखें तो ब्रॉड वे में ट्रांजिस्टर की काफ़ी सारी किस्में हैं, जो कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो कि ये है वो हैं आम तौर पे जो इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके अलावा आज FET आजकल MOSFET इस्तेमाल होते हैं, MOSFET MOSFET से बनता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो वो हम बाद में देखेंगे, बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे और बाद में उसके बारे में टेस्टिंग और ये वो सब तफसील उसकी मैं दिखाऊँगा। अभी के वक्त में हम ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो कि BJT कहलाता है इसको हम देखते हैं। ये आम तौर पे आम सर्किट्स में इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिस्टर है। तो जनाब इसकी जो किस्में हैं BJT की वो दो किस्में हैं, एक कहलाता है NPN, दूसरा कहलाता है PNP। थोड़ा सा मैं पेपर के ऊपर आके पेपर वर्क करते हैं इसके बारे में। पहला मैंने आपको बताया जो है तो BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसकी दो टाइप्स हैं। फर्दर पहली टाइप है NPN, दूसरी टाइप है PNP। क्या होता है कि N सेमीकंडक्टर, P सेमीकंडक्टर और N सेमीकंडक्टर, ये इस तरीके का बनता है NPN टाइप जो है। उसके बाद PNP जो है उसमें P होता है, किनारों पे PP होते हैं और दरमियान में सेंटर में N होता है। तो ये N टाइप और P टाइप इनका जंक्शन होता है, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। तो सैंपल्स इसके हम पहले देखते हैं कि किस तरीके से सर्किट में ज़ाहिर किया जाता है। NPN टाइप ट्रांजिस्टर को इस तरह एक दायरा बना के, उसमें ये बेस, इसके तीन टर्मिनल होते हैं बेस, ये हो गया कलेक्टर, और इसके बाद ये जिसमें तीर का निशान होता है ये हमेशा एमीटर कहलाता है। ई तीर का निशान वाला हमेशा एमीटर होगा। ये साइड पे बेस जो बड़े इसके साथ लगा हुआ है ये बेस है, और ये दूसरा टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल जो निकल रहा है ये कलेक्टर है, ठीक है जी। ये इसकी सैंपल है, सैंपल है NPN की। उसके बाद हम PNP का नमूना देखते हैं। PNP में एग्जैक्टली ऐसे ही एक दायरा, उसके बाद बेस, कलेक्टर, और जो एरो का निशान है वो इस वक्त अंदर की तरफ, ये बेस की साइड पे एरो का निशान हम बनाएंगे, इसमें बाहर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ, ठीक है जी। और ये एमिटर, तीर का निशान हमेशा एमिटर में होगा, लेकिन तीर का निशान बाहर होगा तो वो NPN कहलाएगा, तीर का निशान अंदर की तरफ होगा तो वो PNP कहलाएगा। ये दो इसकी बड़ी टाइप्स हो गई। अब हम इसके बारे में आते हैं कि इसको, इसके अगर टेस्ट करने की बात आती है मल्टीमीटर पे, तो मल्टीमीटर पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, जो कि पैसिव किस्म की टेस्टिंग कहलाती है। एक इसकी एक्टिव टेस्टिंग भी होती है जो कि सर्किट में होती है, वो किसी वक्त जब हम सर्किट को, लाइव सर्किट को देखेंगे उस वक्त हम उसको, इसकी टेस्टिंग देखेंगे, उसको भी किया जा सकता है।
लेकिन जो पैसिव टेस्टिंग है वो मल्टीमीटर पे, रेजिस्टेंस टेस्ट है इसका, डायोड मोड पे टेस्ट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। एनपीएन के लिए ये एक्चुअली दो डायोड होती हैं, दो डायोड इस तरीके पे आपस में मिलाई गई होती हैं इस तरीके से। एक हो गया बेस, बेस के ऊपर इसका कॉमन जंक्शन बनता है, फिर कलेक्टर और यहाँ पे एमिटर। तो बेस, बेस से एक डायोड फॉरवर्ड बायस यानी इस तरीके की कलेक्टर की तरफ, और फिर एक फॉरवर्ड बायस डायोड एमिटर की तरफ। तो अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसको हम दो डायोड्स की तरह टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। टर्मिनल्स को भी मालूम किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टर्मिनल लाजमी नहीं है कि इस तरीके के हों, टर्मिनल कहीं पर भी इसमें हो सकते हैं। टर्मिनल्स की ये तीन टर्मिनल यहाँ यहाँ यहाँ, ये कहीं पे भी इसका बेस हो सकता है, कहीं पे भी इसका कलेक्टर हो सकता है, कहीं पे भी इसका इमिटर हो सकता है। लाजमी नहीं है कि ये इसी तरह हो जिस तरह पे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है जी। ये सिर्फ सैंपल है, सैंपल है जो कि आपको सर्किट डायग्राम्स के मैट्रिक्स में नज़र आता है, और असल में ये इस तरह के होते हैं, और असल में इसके टर्मिनल्स कंपनी अपने हिसाब से कहीं पर भी रख लेती है। तो इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने का वक्त आता है। तो टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर को थोड़ा सा सेट करते हैं ताकि मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखा सकूं। मल्टीमीटर को अपने डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूं। डिजिटल मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट कीजिए, ये डायोड रेंज पे मैंने सेट कर दिया है, ठीक है जी। अब जो आपके पास मीटर के दो प्रॉब्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इसका ये रेड वाला है, ब्लैक जो है वो नेगेटिव है। तो उसको हम इस तरीके से टेस्ट करते हैं कि आप ये ट्रांजिस्टर लीजिए, पहले वाले को टेस्ट करते हैं। तो ये दो डायोड की तरह हम इसको टेस्ट करेंगे। डायोड की टेस्टिंग आपको पता है कि डायोड को किस तरह टेस्ट किया जाता है मीटर पे। तो डायोड को, दो डायोड हम इसकी टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके पे लगा के देखें तो हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही, ठीक है जी। अगली के साथ लगाएं, कोई रीडिंग नहीं मिल रही। अच्छा, दरमियान वाली के साथ रेड को रखें तो हमें ये रीडिंग मिल गई 631 की। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच एक डायोड इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब पहली वाली जो पिन है उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे, देखेंगे तो आपको 599 की रीडिंग मिल गई, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे इसकी तरफ एक डायोड बना हुआ है इस तरह से। तो दो डायोड होंगे, एक डायोड इधर, एक डायोड इधर। अच्छा, प्रॉब्स को उल्टाएँगे, हमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ये सिर्फ एक ही तरीके पर रीडिंग देता है। तो अगर ये रेड प्रॉब इस पिन के ऊपर है, बेस के ऊपर, ये बेस हो गई हमारी क्योंकि दोनों तरफ कंडक्ट कर रही है, दोनों तरफ डायोड बन रहे हैं, ये बेस के ऊपर रेड प्रॉब है और दोनों तरफ कंडक्ट हो रहा है, तो ये हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा क्योंकि इसमें दो डायोड्स इस तरीके पे लगी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारी एनपीएन डायोड ट्रांजिस्टर हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो डायोड्स इस तरीके पे। अच्छा, उसके बाद फिर हम कलेक्टर और इमीटर कैसे पता करेंगे? जिसमें कम, जिसकी रीडिंग कम होगी वो कलेक्टर होगा। ये देखें 630 है, दूसरी की रीडिंग, पहले वाली की रीडिंग देखते हैं 599। ये एक हमारा कलेक्टर हो गया 599 वाला, 630 वाला हमारा इमीटर हो गया, सेंटर वाला हमारा बेस हो गया। ट्रांजिस्टर की टाइप हमारी एनपीएन है, पता हमें इस तरह से चला कि ये रेड प्रॉब बेस के ऊपर टकरा के रीडिंग दे रही है। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरे ट्रांजिस्टर को टेस्ट करते हैं। ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसको भी इसी तरीके पे टेस्ट करते हैं। तो देखें, कोई रीडिंग नहीं, इधर कोई रीडिंग नहीं, यहाँ कोई रीडिंग नहीं, ठीक है जी। प्रॉब को उल्टा देंगे, ये मैं अपने हाथ में ब्लैक वाली प्रॉब को अब सेंटर के साथ पकड़ता हूँ। सेंटर में लाजमी नहीं है, बेस कहीं पे भी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। अच्छा, अब जब मैं देखता हूँ तो देखें तो रीडिंग मुझे मिली 677। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से एक डायोड इसकी अंदर की तरफ बनी हुई है, इस पिन से डायोड अंदर की पिन की तरफ बनी हुई है 677। इधर की रीडिंग देखते हैं 683, इधर भी एक डायोड बनी हुई है इस तरीके की। तो ये रेड, क्योंकि ब्लैक प्रॉब बेस के ऊपर मिलकर रीडिंग दे रही है, तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर का पिन ही कहाँ पर है, बेस ये हो गई, कलेक्टर कम रीडिंग वाली 677, 683, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा एमिटर हो गया, ये इसकी पिन होगी।
पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये दो डायोड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बेस और फिर कलेक्टर से इस तरफ अंदर की तरफ और इमीटर से भी ऐसे ही अंदर की जानब, ठीक है जी। ये दो डायोड, एक डायोड ये, एक डायोड ये। अब इनका अगर आप पोलैरिटी देखें तो उल्टी है, ये अंदर की तरफ, इसका एनोड यहाँ पे लगा हुआ है, इसका एनोड बेस की तरफ लगा हुआ है, इसका जबकि इसका एनोड एमिटर की तरफ लगा हुआ है, इसका कैथोड एमिटर की तरफ है और एनोड जो है वो बेस की तरफ है। तो इसकी पोलैरिटी आपस में दोनों ट्रांजिस्टर्स की उलट होती है, इसके बाइसिंग का तरीका उलट होता है, पोलैरिटी उलट होती है, ये इन दोनों का बेसिक फ़र्क है। वीडियो में अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट फील होगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। एक दो दफ़ा वीडियो को देखिए, उसके बाद अपना तजर्बा कीजिए, मल्टीमीटर उठाइए और ट्रांजिस्टर्स लीजिए और टेस्टिंग शुरू कीजिए। उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी इसको ओवरकम कर सकेंगे, आप इसको सीख सकेंगे और ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब मैं आपके सामने एक ट्रांजिस्टर, एक दो ट्रांजिस्टर और टेस्ट करता हूँ। ये D313 जो है ये टेस्ट करते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है जी। इसी तरीके पर हम इसके टर्मिनल्स देखते हैं, तो ये देखें 0 ohms 0 volt, ये वोल्ट है एक्चुअली, रेजिस्टेंस डायोड रेंज पे ये वोल्ट दिखाता है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 0 volt, वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये 0 volt ड्रॉप दिखाता है। इस तरफ को हम देखते हैं 0, इसको देखते हैं 0 0, ये हर तरीके पे ये 0 दिखा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, क्योंकि इसमें कोई डायोड नहीं बन रहा, दो डायोड बनने चाहिए वो नहीं बन रहे, बल्कि ये शॉर्ट दिखा रहा है, हर तरफ से 0 0 0 रीडिंग, ये शॉर्ट है। एक और ट्रांजिस्टर जो कि मैंने एक नमूने के लिए रखा हुआ है, उसको भी टेस्ट करते हैं इसी तरीके पे। ये छोटा सा ट्रांजिस्टर है, इसको टेस्ट करते हैं, एक साइड से दिखा रहा है 0 300 0 386। अच्छा, अगली पिन देखते हैं 0 336। अच्छा, ये रीडिंग्स मुनासिब नहीं है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं 0 0 56 0.0, यानी मतलब 0, ठीक है जी। अच्छा, पेन उल्टा के देखते हैं 0.06, ठीक है जी। ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब है, हर तरफ से ये रीडिंग दे रहा है, हर पिन की आपस में रीडिंग बन रही है, ये पिन ट्रांजिस्टर ख़राब है। इसका जो अच्छा ट्रांजिस्टर होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ मेरे हाथ में है, इसकी रीडिंग चेक करते हैं किस तरीके से ये दिखाएगा। तो अच्छा ट्रांजिस्टर आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 0.66 दिखा रहा है एक साइड। अच्छा, इनके आपस में देखते हैं कोई रीडिंग नहीं, उल्टा के देखते हैं कोई रीडिंग नहीं। अच्छा, इसके ऊपर देखें तो ये दरमियान वाला बेस हो गया 0.664, ठीक है जी, और इधर 0.666, ये हो गए हमारे कलेक्टर, ये एमिटर, ये बेस, और ये ट्रांजिस्टर ठीक है। और काली प्रॉब के ऊपर के साथ कॉमन काली प्रॉब बन रही है, ये काली प्रॉब हमारी कॉमन बन रही है। तो डिजिटल मल्टीमीटर पे अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और काली प्रॉब आपकी कॉमन बन रही हो किसी ट्रांजिस्टर पे, तो वो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ठीक है, और इसकी हमने टेस्टिंग कर ली है। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप अगर आप टेस्टिंग करना शुरू करेंगे एक ट्रांजिस्टर की, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से वाजह होगा, ये आप टेस्ट कर सकेंगे और मल्टीमीटर पे आप रिज़ल्ट ले सकेंगे कि ये ट्रांजिस्टर ठीक है या ख़राब है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस तरह की और वीडियो मैं बनाता रहूँगा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की टेस्टिंग के ऊपर। तो देखते रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।